हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिनूस किचन ब्लॉग। आज मैं बच्चों के लिए एक चटपटा सा नाश्ता बनाने वाली हूँ। जब हम बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, हमें देखना पड़ता है कि वो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप सोया चंक्स, जिसे हम पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेंगे। उबल जाने के बाद इसे अच्छी तरह से धो के इससे पानी निचोड़ लेंगे। आपको तो पता है सोया चंक्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। अब एक कढ़ाई में एक चम्मच के करीब तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ी देर भुनने के बाद उसमें डालिए एक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को थोड़े से भुनने के बाद उसमें डालेंगे एक या दो कटा हुआ हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हरी मिर्च लें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वीट कॉर्न। चटपटी चीजों का स्वाद एनहांस करना है तो स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे सोया चंक्स। सारे चीजें डल जाने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेगा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा मेयोनेज और थोड़ा सा चाट मसाला। ये रेसिपी घर पर बनाइए, खुद खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए।